हाँ, तो आप लोगों ने जैसा कि न्यूज़ सुना ही होगा और आपके पास नोटिस गया ही होगा किसका, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, से रिलेटेड जो है जो नोटिस सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप पे, चाहे जो पीपीयू का वेबसाइट होता है वहाँ पे, या आपको दोस्तों से वगैरह से जो जानकारियाँ मिलना स्टार्ट होते हैं एक तरह से जो। तो देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अब एग्जाम का जो माहौल है या लगन है या सीजन है जो एक तरह से स्टार्ट हो गया है। हाँ, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होगा कि इतना जल्दी भी स्टार्ट कर देगा एक तरह से जो है, उनको लगता होगा कि मई जून के आसपास स्टार्ट करेगा, लेकिन वो इधर से ही सारा जो है एक तरह से मुहूर्त निकाल दिया है एक तरह से परीक्षा का। तो इधर आपको फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट कर दिया और कितना ताबड़तोड़ वो डेट निकाला है, सोचिए 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के आसपास में वो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो है आप सभी लोग को जो है अपने हेडक्वार्टर में, मतलब इंद्र सिंह कॉलेज के पास जो है बुला लिया एक तरह से जो है। और उन्होंने जारी किया नोटिस कि प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले होगा, और ये अच्छी बात है। अधिकतर यूनिवर्सिटी में जो है, बिहार के बाहर आप अधिकतर यूनिवर्सिटी देखिए या इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह रहते, तो उसे प्रैक्टिकल पहले होते हैं, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट अटका हुआ नहीं रहे। तो प्रैक्टिकल इन लोग पहले लेने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है एक तरह से। और उसके बाद आपको जो है तुरंत बैक टू बैक थ्योरी पेपर जो है लेना स्टार्ट करेगा, पार्ट टू पार्ट थ्री का जो, और पार्ट वन का भी जल्द से जल्द ही एग्जाम ले लेगा एक तरह से जो, और ये अच्छी बात है, ठीक है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जिस तरह से काम कर रहा है, या जो उसका मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब इन द सेंस की जो वर्क करने का उसके तौर तरीके है, एकदम अव्वल दर्जे का, ठीक है। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में, या बगल कहीं बीएचयू वगैरह है, ये सब में जैसे घटते हैं, या साउथ वगैरह का जो यूनिवर्सिटी में जिस तरह से होते हैं तरीके, ये उसी तरीकों को अपना रहा है। अब बात रहता है कि आप कैसे तैयारी वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आपको पहले भी बोलते रहते थे जो लोग क्लास वगैरह करते थे, तो कि आप लोग को परीक्षा के मोड में ही रहना है। जनवरी से ही बोल रहे थे कि परीक्षा के मोड में रहिएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है बहुत एक्टिव यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसलिए जाहिर सा बात है वो आपका एग्जाम जो है कभी भी होली के बाद अरेंज कर देगा। बस इतना जल्दी अंदाजा नहीं था कि वो इतना जल्दी जो है एक तरह से अरेंज करके आपको दे देगा, ठीक है। तो आप परीक्षा मोड में पहले से थे तो ठीक है, नहीं तो आपसे तो एकदम जो है रंग छोड़ाइए चाहे नहीं, लेकिन परीक्षा मोड पे चले, वरना रंग चेहरे का उतर जाएगा। ऐसे भी जब एग्जाम देने जाएगा तो, और परीक्षा का रिजल्ट जब आएगा तो फिर मालूम ही है एक तरह से जो है चेहरा लाल पड़ सकता है एक तरह से जो बिना रंग का जो है। इसलिए बेहतर रहता है कि अब आप अपना स्ट्रेटजी बना लेते हैं। सबसे पहले कि आप पिछले 2 साल 3 साल का क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से कर लेते हैं, एकदम पूरी तरह से एक नोट्स बनाइए, इसे पिछले 2 या 3 साल का क्वेश्चन पेपर जो भी है, ठीक है, उसको ढंग से आप उसको कर लीजिए एक तरह से जो है। उसके बाद फिर आप ग्रुप वाइज देखिए कि हर ग्रुप में आपको कौन सा स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है उस वाले पेपर को बहुत अच्छी तरह से जो है कर लेते हैं। इन द सेंस, जैसे मान लीजिए 3 किताब है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में 2 किताब है, ग्रुप सी में मान लीजिए 3 किताब है, तो आप 2-2 किताब का नॉर्मली एवरेज, या 1-1 किताब तो कम से कम आप जो है बहुत ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि पीपीयू में गेस्ट पेपर भी बहुत ज्यादा मैच नहीं करता है। कोई कोई पेपर आपको ले भी देगा यदि आप गेस्ट पेपर आधारित रहेगा, तो कुछ कुछ पेपर को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। आपके डिग्री का एक वैल्यू होगा पीपीयू से जो लोग किए हुए, जिस वजह से पटना यूनिवर्सिटी का वैल्यू रहता है, वैसे ही आपका भी वैल्यू रहेगा। जाहिर सी बात है कि उसको स्वच्छ रखना होगा पीपीयू को जो, ठीक है, स्वच्छ रखने के लिए वो इस तरह का काम करता है। वो आप पे गलत नहीं कर रहा है, बल्कि सही कर रहा है, आप ही गलत तरीके को उम्मीद करते थे। नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। लेकिन जो लोग क्लास कर रहे थे वहां पे जो, उनको ऐसा चीजों को करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रिपरेशन पहले से हो चुका है, ठीक है। अब आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ाते समय हम कभी कभी बोलते हैं यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछता है, यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछता है, उसको कर लीजिए। और पिछले साल का जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ उसको खाली हटा दीजिए, जो पिछले साल वाला नॉर्मली रिपीट नहीं करता, और उसके पीछे का जितना भी क्वेश्चंस रहता है वो सब आपको आ रहा होगा यदि आप क्लास करते होंगे तो। इसलिए आप परीक्षा के मोड में चले आइए, नंबर अच्छा लाइए, वरना आप वैसे यूनिवर्सिटी के लोगों के एडवाइस पर आ जाइएगा कि चोरी चलता है, ये चलता है, अभी एग्जाम देने जाइएगा तो आपको मालूम ही चल जाएगा एक तरह से। जो यूनिवर्सिटी इतना एक्टिव रहता है आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चोरी चलने देगा, थोड़ा बहुत कहीं के चल गया तो उसे पास हो पाएगा, और सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन पास हो जाएगा तो उसे कौन वैल्यू रहेगा एक तरह से, ठीक है। इसलिए परीक्षा के मोड पे आइए, अपने आप को जो है होली का खुमारी और जो पर्व का खुमारी है उसको हटाइए, दिन रात अब आप एक करिए, वरना आगे का लाइफ बहुत कठोर होने वाला है, मजबूरी में फिर दिन रात एक कैसे भी करना पड़ जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसलिए अपने मन के हिसाब से यदि काम करना चाहते हैं, शुरुआती दौर में आपको एक तरह से चुनाव करना पड़ेगा हार्ड वर्क का एक तरह से जो, और स्मार्ट वर्क जो कहा जाता है ना, एक तरह से हार्ड वर्क पे कटाक्ष एक तरह से जो, हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क ऐसे भी आता है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क बोलने का मतलब है कि कुल्हाड़ी और कुदाल चलाइए एक तरह से जो, ठीक है। इसलिए बस तन जो है एक तरह से, और अपने आप को जस्ट कुछ अलग दिखाने के लिए कैसे आदमी कुछ बोलता है तो उस पर लुक्स निकालना, हार्ड वर्क ही मेन अल्टरनेटिव रहता है। स्मार्ट वर्क तो आजकल मॉडर्न में लोग बोलते हैं, हार्ड वर्क जो करते हैं वो भी वो स्मार्ट वर्क जानते हैं करने,